गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज है शिवरात्रि, सावन की पहली शिवरात्रि। तो आप सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो अभी आई थी मैं मंदिर, सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि आज मेरा व्रत है शिवरात्रि का। और आप भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। गाइज, आज मैं बना रही हूँ आम शरबत। जैसे कि आज शिवरात्रि है तो मेरा भी फास्ट है, तो मैंने सोचा चलो आम की कुछ स्पेशल सा बना लिया जाए। तो ये मेरे पास रखे थे आम, तो अभी मैं बना रही हूँ आम का शरबत। तो उसके लिए ये ले लिए मैंने 3 आम और 3 ही नींबू हैं ये। इनका मैं रस निकाल लूँगी और आम को छील लूँगी। और यहाँ पर ली है मैंने 1 कटोरी चीनी। तो अभी पहले मैं आम छील लेती हूँ। गाइज, तो मैंने ये आम छील लिए हैं, उनका गूदा निकाल लिया है और निकाल लिया है। तो अभी हम बनाते हैं, तो इसलिए मैं आम डाल लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में, इसके जार में डाल लेती हूँ। मैंने आम डाल लिए हैं, उसके बाद मैं डाल दूँगी अभी थोड़ा सा नींबू डालूँगी। अभी पूरा नींबू का रस हमें नहीं डालना है। और इसमें मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी और नींबू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो अभी मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसको मैं ग्राइंडर कर लिया। गाइस ये देखो, इस तरीके का पेस्ट बन गया है। इसमें मैं जो बचा है नींबू वो भी डाल लेती हूँ। गाइस, मैंने नींबू डाल लिया है, उसके साथ मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा पानी और इसको फिर से चला लेती हूँ। ये देख लीजिए आप, इस तरीके का बन गया है ये पेस्ट। चाहे तो इसमें आप इसमें डायरेक्ट पानी डाल के ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको छान लेती हूँ क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं जो इसमें जैसे लपूटे से आ जाते हैं ना ऊपर, तो उससे छाना हुआ सही रहता है। तो इसके लिए मैं छान लेती हूँ इसको। मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ के साथ ऐड कर लूँगी क्योंकि अभी ये ज़्यादा गाढ़ा है तो ये छली में निकल नहीं पाएगा। तो इसमें मैं पानी भी साथ के साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। गाइस ये देखो, तरीके से इसमें आम हमने ये ग्राइंडर कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी ग्राइंडर करने के बाद भी इसमें कितना सारा गूदा ये निकल जाता है। और ये बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके मुंह में ऐसे आता है ना धागे धागे से, तो बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो उसके लिए छान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए मैंने अभी ये छान लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ मैं साथ के साथ। देखो कितना सारा इसका निकल गया है आम का। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ आम का शरबत। ये देखो इस तरीके से बन गया है। इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें पानी डाल सकते हो। इसमें नींबू और चीनी जो डलता है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना कि आप खट्टा और मीठा खाना पसंद करते हो। गाइस देखो, अब मैंने इसमें पानी डाल लिया है और ये देखो इस तरीके की हो गई है। और आप भी ट्राई करना इसे। ये बच्चों को थोड़ा फ्रूटी वाला टेस्ट आता है इसमें, खट्टा मीठा जैसे कि फ्रूटी में होता है। ये बन गई हमारा मैंगो शरबत। और गाइस कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा बना हुआ शरबत कैसा लगा। और जैसे कि आज मेरा फास्ट है तो आपका भी फास्ट हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो आम का शरबत, या मैंगो फ्रूटी भी बोल सकते हैं इसे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज जैसे कि शिवरात्रि है तो एक बार फिर से हर हर महादेव, शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।